Good evening, everyone. You're watching my channel, Rakesh Vaizarev, on YouTube. So, guys, today we have very talented actor Siddharth Nigam, जो कि आते हैं Aladdin, ये lead actor हैं उस TV serial के. And we also have beautiful, gorgeous Arishfa Khan, जो कि आती हैं पापा बाय चांस में. और बहुत जल्दी आप इनको और भी नए TV shows में आप देखेंगे. तो आज गाइस मैं आपके लिए ये दोनों सेलिब्रिटीज लाया हूँ मैं अपने चैनल में, और आपको बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है जो आप इनसे नहीं पूछ पाते ये क्योंकि बहुत बिजी होते हैं, मैं आज इनसे पूछूंगा आपके लिए, सो दैट आपको ये हेल्प करे आपके करियर, जो कि आप चाहते हैं मॉडलिंग में आना या एक्टिंग में आना, किसी को टिकटॉक स्टार बनना है, किसी को लाइक स्टार बनना है. तो आज इन्हीं से पूछ लेते हैं ये कैसे वहाँ उस लेवल तक पहुँचे हैं. तो सिद्धार्थ, हम जानना चाहेंगे ऑलरेडी, जैसे कि आप टिकटॉक में आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे बच्चे आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको स्टार बनने के लिए? सबसे पहले जितने भी मेरे फैंस हैं उनको मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इतना इंस्पायर करते हैं और आप लोग मुझे इनक्रेज करते हैं कि मैं इस तरह मेहनत करता रहूँ. क्योंकि आप लोग जब बोलते हैं ना कि मैं सिद्धार्थ निगम की तरह बनना चाहता हूँ, या बोला कि मैं सिद्धार्थ निगम की तरह बनना चाहता हूँ, सो बस मैं इतना कहूँगा कि किसी की तरह बनने की कोशिश मत करिए. आप जो हैं, जैसे हैं, अपने पे विश्वास रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ और हार्डवर्क करते रहिए. दैट्स इट. अरिश्फा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके लाइक एप्लीकेशन में 3 मिलियन फॉलोअर्स, पूरे 30 लाख फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड से. आप इस मुकाम में कैसे पहुंचे? लोग अरिश्फा को इतना प्यार देते हैं इंस्टाग्राम में, लाइक एप्लीकेशन में, तो आप क्या करते हैं हर दिन जो इतना प्यार आपको मिलता जा रहा है दिन ब दिन? हाय गाइस, थैंक यू सो मच. आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतनी खुशी देते हो उसके लिए. एंड मैं कहना चाहूँगी लाइक के लिए कि लाइक में आप ऐसा, जैसे आप बोलते हो ना कि अरिश्फा बहुत अच्छा ट्रांजिशन करती है और बहुत अच्छा जो इमोशन वाला कोई सीन होता है वो बहुत अच्छा करती है. सो अगर आप लोगों को भी वैसे ही करना है तो आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि एकदम मेरा जैसा रोल हो. आप लोग लाइक अपने अंदर ही एक्टिंग होती है, हम किसी को देख के नहीं कर सकते कि अरे हमें वैसे ही करनी है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा होगा एक्टिंग करने का, हमारे अंदर वो होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है. जैसे मुझ में है मैं कर सकती हूँ, सिद्धार्थ में है वो कर सकता है, वैसे आप सब में भी होता है, बस उसे बाहर लाओ और बाहर निकालो. आप लाइक की जो टिप्स है वो क्या देना चाहेंगे? बहुत लोग नहीं आते वो ट्रांजिशन जो आप करती हैं. हाँ. वो कैसे करते हैं, कुछ टिप्स बताओ जो फैंस बना सके आपकी तरह वीडियो. एक्टिंग तो अपने से आएगी. हाँ. बट वो जो इफेक्ट्स आप डालते हो उसके लिए क्या करना होता है, कैसे करते हो आप उसके लिए? गाइस आप सब, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ से यहाँ ले आते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ ले आते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, तो उसको ट्रांजिशन नहीं कहते हैं. वो एक हो गया कि हम इधर से उधर घुमा रहे हैं कैमरा को, तो उसमें ना वो बेटर ट्रांजिशन नहीं निकलता है. अगर हमने, जैसे मैं सपोज ये हमारा फोन है नकली वाला, हमने यहाँ से ऊपर लेके गए तो हमें ऊपर जाके स्टॉप करना है एंड फिर नीचे से लेके आना है. yes. ताकि वो ऐसा लगेगा हम पूरा रोटेट करके ला रहे हैं. और बहुत से आप लोग सिर्फ ऐसे करते हो, ऐसे करके स्टॉप कर देते हो, इधर ही स्टॉप कर देते हो, फिर इधर से लाते हो, तो वो फेक लगता है, पता चलता है. तो वो बहुत सी चीजें होती है, आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको आ जाएगी, अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगी. सो गाइस, अगर जो आपको लाइक स्टार बनना है या आपको सिद्धार्थ की तरह बनना है, तो आपके हाथ में ही फोन है, आपको सिर्फ इसको यूज करना है. आप जितने बार अलग अलग तरीके से यूज करोगे उतने नए इफेक्ट्स आपको दिखेंगे आपके वीडियोस में. Am I right? Yes. रोज सीखोगे आप, रोज प्रैक्टिस करोगे. और ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देख के या फिर उसकी तरह करना चाहें, आप हमेशा ट्राई करें कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसे आप शो करें इन सब डिजिटल ऐप के थ्रू. आप ये बताइए Aladdin, आप तो ऑलरेडी लीड कर रहे हैं बहुत बड़ा टीवी शो, बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आप जो बहुत सारे बच्चे हैं 10 से लेकर 18 की उम्र के, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी अ डांसर, दे वॉन्ट टू बी ऑन टिकटॉक, दे वॉन्ट टू बी ऑन लाइक, दे वॉन्ट टू बी ऑन सम अदर एप्लीकेशन, वो कैसे बन सकते? क्या बोलना चाहेंगे उन सारे बच्चों को? सबकी लाइफ में कुछ कोई ना कोई एक गोल होता है कि मुझे डांसर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है. मेरी लाइफ का भी गोल है कि
मैं आज जो कुछ भी हूँ मुझे बस इससे आगे बढ़ना है और कभी नीचे नहीं गिरना, क्योंकि एक शायरी है ना, दिलों में बसना कमाल होता है, ख्यालों में बसना और भी कमाल होता है, बुलंदियों में पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों में ठहरना कमाल होता है। वाह। तो जितने भी लोग हैं 10 साल, क्योंकि मैंने आज की जो हमारी जनरेशन है, जो टैलेंट है वो 5 साल के बच्चे के अंदर भी है और 25 साल के एक आदमी के भी अंदर है। सो टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, और जितने भी बच्चे हैं 5 से 6, 7, 8, 9, 10, एक चीज़ मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा कि एक होती है एक्टिविटी और एक होती है स्टडी। तो जितने भी हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 टिल माय एज, आई एम 18 राइट नाउ, तो जितने भी बच्चे हैं क्या होता है जब उस लाइन में आ जाते हैं तो दे स्टार्ट स्टडी को छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली से बात करना छोड़ देते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें, वो इतने बिजी हो जाते हैं सोशल लाइफ में कि वो अपनी फैमिली और अपने लोगों को टाइम नहीं दे पाते। तो ये मत करिएगा, क्योंकि ये अगर आप करने लगेंगे तो आप सक्सेस कभी नहीं पा पाएंगे। यू विल बी हैप्पी बट यू विल नॉट बी हैप्पी अलोंग। सो इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, एंड सक्सेस आपके पास खुद है। सो गाइज, पेरेंट्स को प्यार दो, सबको साथ में लेके चलो, दैट इज व्हाट सिद्धार्थ वांट्स टू से। साथ में लेके चलोगे तभी आप तरक्की भी पाओगे, और सबका साथ रहेगा तो ऑब्वियसली यू नीड सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। और थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर दिस आंसर्स। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आज की डेट में स्टार्स क्या होता है, आज जैसे कोई बिग बॉस का विनर बना, बहुत न्यूज में आया, हर जगह हुआ, हर जगह फॉलोअर्स बढ़े, बट हम देखते हैं 3 महीने बाद 6 महीने बाद लोग उसको भूल जाते हैं। बट आप तो धूम 3 से आगे बढ़ते जा रहे, एक कंसिस्टेंसी जो आपकी आ रही है, इसलिए तो बोलते हैं काम ऐसा करो कि लोग भूल ना पाए। यस, तो ये आप कैसे करते हो, इसके लिए आपको कौन सपोर्ट करता है इतना ज्यादा कि आप धूम 3 से अशोका में आए, झलक दिखला जा में आए, हर जगह आप छाए हुए, लोग भूल नहीं रहे। सिद्धार्थ को बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, बिकॉज हर लोग आपको देखते हैं, हर दिन देखते हैं। सी, आप जब कुछ बन जाते हैं तो बनना बहुत आसान होता है, जैसे मैंने बोला ना कि बुलंदियों में पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों में ठहरना कमाल होता है। तो जब आप कुछ बन जाते हैं तो उसके बाद की जो एक उसके बाद जो काम जो क्या कहेंगे इसको हम जिसको लेके चलते हैं, हाँ, कि मतलब आप कुछ बन गए उसके बाद लोग क्या करते हैं, हार्डवर्क करना कम कर देते हैं, दे थिंक दैट दिस इज माय लिमिट, बस अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। बट मेरी लाइफ में मेरी जो गाइडेंस है मुझे बहुत अच्छी मिली, मेरी मम्मी ने, मेरे बड़े भाई ने मुझे जितना अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया, आई डोंट थिंक सो कि कोई मुझे और कर भी पाएगा। तो मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, दोनों ने मिलकर एक मुझे गाइडेंस दी, प्रॉपर गाइडेंस दी कि मैं अगर इतना सा भी कुछ करता हूँ तो वो अप्रिशिएट करते हैं, साथ साथ बोलते हैं तू और कुछ और भी कर सकता है। तो उसी अप्रिशिएशन के साथ आज मैं हमेशा सोचता था कि आज मैं नया करूँगा, कुछ अलग करूँगा, और करते 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 आज मैं जो कुछ भी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर एंड ब्रदर। थैंक यू सो मच, यही सपोर्ट सबके ब्रदर, फादर, मदर सारे थे, सो दैट आप भी सिद्धार्थ की तरह बन पाए। मैं तो यही चाहूंगा जितने भी फैंस, फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को खूब सपोर्ट करें। यस, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं बोलना चाहूंगा जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि सपोर्ट योर, लाइक आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगी, वो जो भी करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करिए, उन्हें मना मत करिए करने से, उन्हें बल्कि गाइड करिए कि बेटा तुम इसको इस तरह भी कर सकते हो, ये मत कहिए कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये कभी मत कहिएगा। ओके, दैट्स इट। अरिश्फा, आपसे पूछना चाहेंगे, ऑब्वियसली आप भी बहुत बड़े लेवल पे हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, आपको कौन सपोर्ट करता है, आपको हर चीज़ों के लिए, एक्टिंग से लेके लाइक वीडियो से लेके, कौन सपोर्ट करता है, कौन आपके पीछे लगा रहता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करते रहो? मेरी मम्मा, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, शूट या शॉपिंग करने जाओ या बाहर घूमने जाओ, कहीं भी जाओ मेरी मम्मा साथ में रहती है। और जब मैं इतनी सी थी, जब से शूट करी हूँ 9 साल से, वो मुझे मतलब हमेशा से बोलती है कि तुम शूट करियो, लेकिन जैसा होता है ना, हम पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर एक लेवल हो जाता है, तो वो हमेशा से मुझे कहती आ रही है, घमंड मत दिखाओ, जलो मत, घमंड मत दिखाओ, क्योंकि अगर तुमने घमंड दिखाया, जली तुम किसी से, तो तुम कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगी, तुम यहीं रह जाओगी। तो मम्मा ने हमेशा सिखाया है कि एटीट्यूड मत दिखाओ, और सबसे बहुत अच्छे से रहो, पोलाइट रहो, सबसे बात करो, अपने फैन से बात करो, और जो भी लोग आते हैं सबसे अच्छे से बात करो, ऐसा नहीं कि मुझसे दूर है एंड ऑल। सो वो मुझे बहुत मम्मा ने सिखाया कि बहुत सबसे बात करो और अच्छे से बात करो, घमंड मत दिखाओ, क्योंकि एक वक्त होता है अगर हम घमंड दिखाने लगते हैं ना तो वो घमंड चूर भी होता है एक दिन। तो घमंड मत दिखाओ किसी के साथ, घमंड दिखाओगे तो चूर नहीं होगा। घमंड मत दिखाओ, जलो मत किसी से,
जैसे हमें किसी की तरह बनना है तो उसकी बराबरी करो, ऐसा नहीं मुझे उसके ऊपर आना है। तो यार बस ये कहना, मेरी मम्मा, मैं जहाँ पे मेरी मम्मी की वजह से। हम एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे एक बहुत ही अगेन टैलेंटेड अगेन जो कि मॉडल, जो कि अगेन एक टीवी शो इस ऑफ MTV में आए थे, जहाँ पे आपकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, लोग आपके बारे में गलत बोल रहे थे, तो आप उसको कैसे क्या क्लियर करना चाहेंगे? जो कि हम यहाँ पे बात करें दानिश जैन, जिनका कि सडनली एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसके बारे में बोलना चाहेंगे आप, दानिश के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो फैंस आपको गलत सोच रहे हैं दानिश को लेके, तो आप क्या बोलना चाहोगे गाइस फैंस को? मुझे आप सबको ये कहना था, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि वो मेरा भाई था, जैसे कि बहुत से लोग ना, लोगों की थिंकिंग ना थोड़ी गलत होती है, जो वो भाई बहन के रिश्ते को भी ना गलत मान लेते हैं। तो मैंने इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो डाला और मैं रोई, तो इसका मतलब ये कि मैं नाटक कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ। वो सबके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी और बहुत ही मतलब सदमे टाइप का कुछ था। मैं अभी भी उसको नहीं भूल पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो मेरा भाई था। वो हमेशा, मैं उससे व्लॉगिंग की बातें करती थी और वो मुझसे एक्टिंग की बातें करता था। ज़रूरी नहीं कि हर लड़का और हर लड़की गलत मीनिंग पे जाए, कोई भाई बहन भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। और जो गाइस, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि हमारा अलग ही टाइप का रिश्ता था एंड मैंने कुछ इतना फेक न्यूज़ डाला और उसके बाद मैं नाटक कर रही थी, मैं सिर्फ फॉलोअर्स गेन कर रही थी गाइस। और बहुत से लोगों ने ऐसा भी डाला है कि मैं बॉलीवुड में आना चाहती हूँ और मैं सीरियल्स करना चाहती हूँ। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगी, जो लोग कुछ करते नहीं है वो फॉलोअर्स गेन करने के लिए ये सब करेंगे। मैं पहले से ही कुछ करती हूँ तो मैं ये सब क्यों करूँगी? मैं बस इतना बताना चाहूँगी, वो मेरा भाई था और उनकी फैमिली वाले, मतलब मैं अभी तक गई नहीं हूँ, मैं बॉम्बे जाके जाऊँगी उनके घर, वो लोग बहुत अच्छे हैं। बट प्लीज़ आप लोग गलत सोचना बंद कर दीजिए, वो मेरा भाई था और है और हमेशा रहेगा। वो बहुत अच्छा इंसान था और वो मेरा एक अकेला फ्रेंड था और अकेला भाई था। जितने भी अरिश्फा के फैंस हैं, दानिश के फैंस हैं गाइस, जब ये न्यूज़ हमें भी पता चली मॉर्निंग में, मैंने भी बात की थी अरिश्फा से, उनकी मदर से, तो शी वॉज लिटरली क्राइंग बिकॉज उनके ब्रदर थे वो और फ्रेंड भी थे, वेल विशर थे। तो गाइस मैं भी फोटो डाला था दानिश का, इसका मतलब नहीं कि मेरा कुछ इसका रिलेशन है। आई लाइक हिम, मुझे पसंद है। तो बहुतों ने डाला, विकास गुप्ता ने डाला, हर बंदे ने डाला, आप इसको गलत वे में मत लीजिए। ऐसा होता है ना, जैसे वो और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, भाई बहन थे, तो लोगों को ऐसा, लोगों, क्योंकि आज तक मैंने कभी उसके साथ कोई पिक्चर या कुछ डाला नहीं है। वो एक रीज़न है जो मैं बता नहीं सकती, बट मैंने अभी डाल दिया बिकॉज एक दुख होता है अपने अंदर। मैं बस बताना चाह रही थी मेरे फैंस को और सबको कि मतलब क्यों हुआ, क्या क्या हुआ और मैं कितना फील कर रही हूँ। वो हम समझ सकते हैं कि एक सडन न्यूज़ मिली, तो ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है, कुछ होता है तो एक अपनी चीज एक्सप्रेस करना चाहता है। ऑब्वियसली वो लखनऊ में थी, दिल्ली में, सॉरी मुंबई में भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो अपने तरीके से एक्सप्रेस की। हर चीज़ को गलत नहीं लेना चाहिए। एंड गाइस, कोई अगर जो अपनी कोई चीज़ जाहिर कर रहा है उसको सपोर्ट करो, ना कि उसको गलत वे में सोचो, गलत तरीके से सोचो। आप दानिश के फैंस हो, आप दानिश को भाई मानते हो, आप दानिश को प्यार मानते हो, आप उनके बारे में अच्छा डाल रहे हो, आपके बारे में कोई गलत नहीं सोच रहा, तो आप कोई और डाल रहे तो उनके बारे में, उनको लेके क्यों गलत सोच रहे हो? तो मेरा जितने भी फैंस है दानिश के, अरिश्फा के, सेलिब्रिटी फेस के, गाइस हम सब एक दूसरे को बहुत जानते हैं अच्छे से, साथ में काम करते हैं, बातें होती हैं, चीज़ें हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते, जब कुछ हुआ तो चलो एक्सप्रेस कर दिया, आप गलत मत लो। उनका इवेंट, अब दानिश दुनिया में नहीं रहे तो क्या वो इवेंट नहीं करेंगे? मान लो कल को सेलिब्रिटी फेस में नहीं हो तो क्या इवेंट नहीं होगा? ये तो लाइफ है, मूव ऑन होती रहेगी, चलती रहेगी, गलत वे में ना लें और हमेशा सपोर्ट करें सबको। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ एंड अरिश्फा, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, कीप डूइंग ग्रेट जॉब एंड वी लव यू एट सेलिब्रिटी फेस। आप यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी हम दूसरे शहर में देखेंगे और भी फैंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच।